लॉन्च कर रहे हैं मिस्टर नवान मलिक साहब, प्रोड्यूसर नवान मलिक साहब है, डायरेक्टर राज एसीपी है। देखिए हर बाप की तो उम्मीद होती है वो बहुत अच्छा करे, लेकिन मैं किस्मत में मानता हूँ। और दूसरी बात पब्लिक बोलेगी, हाउ कैन आई से, हर बाप तो बोलता है अपना बड़ा। सर इसमें एक जो स्टोरी जैसे बताया जाता है, एक डांसिंग आर्टिस्ट की है और वो एक ये मर्डर थ्रिलर है और जिसमें मीमो जो डीजे का रोल प्ले कर रहा है। और सर डांसिंग में आपने एक कोरियोग्राफ भी किया है इसमें, उसके बारे में कुछ मैं जिमी का इंट्रोडक्शन मैं कोरियोग्राफ किया हूँ। और मैं कैसे बोलूँगा मैं कैसे किया हूँ, ये तो आप लोग देखने के बाद बोलेंगे। सर हु इज द बेटर डांसर? ही इज अ बेटर डांसर। थैंक यू। नो 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 चांस, इट इज एक्चुअली मिस्टर नवान मलिक एंड सलमान मलिक, दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। आई एम प्रेजेंटिंग द फिल्म एंड आई होप ऑल द बेस्ट फॉर हिम। डू यू थिंक यू आर अ बेटर डांसर और ही इज अ बेटर डांसर? नहीं, मैं कभी उनका फोटोग्राफ लेकर किसी प्रोड्यूसर के पास नहीं जाऊंगा। वो तो मैंने पहले दिन ही कह दिया, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, ही हैज टू फाइट हिमसेल्फ, ही हैज टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ। जैसे हर न्यू कमर का होता है उसी की तरह होगी वैसे ही। मैं कोरियोग्राफ किया हूँ, डांस स्टेप तो आप देख के बताइए ना कैसा है, मैं कैसे बोलूँगा। पीछे का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने किया है। ही इज अ बेटर डांसर देन आई एम। सर आपको देख के क्या लगता है, प्रोमो हु इज द बेटर डांसर? यू? मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे से बेटर डांसर मीमो है। बाकी कितना बड़ा बनेगा तो किस्मत की बात है भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता, पब्लिक बताएगी। एक्टिंग के हिसाब से मैं तो पास मार्क दे दिया हूँ फर्स्ट फिल्म के हिसाब से। यस यस डन वेल, बट यस टू लर्न मोर एज फार एज डांसिंग इज कंसर्न, इज टेरिफिक एक्शन, टेरिफिक। बाकी देखते हैं अभी। मैं फिल्म के बारे में कुछ नहीं कहूँ, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताएंगे। Any planning future with working with Nemo, anything? Like, I haven't. There are a lot of offers, but आप किसी चीज़ में Nemo का help करना चाहेंगे, like in terms? मैं फोटोग्राफ से किसी प्रोड्यूसर के पास जाना। दादा दादा एक आखिरी सवाल, दर्शक सिनेमा घर में मीमो आपके बेटे इसलिए आए कि मीमो की फिल्म आ रही है जी? दर्शक सिनेमा घर में मीमो की फिल्म इसलिए या आप मीमो आपके बेटे इसलिए? ये तो जरूर डेफिनेटली एक बार मेरा बेटा है इसलिए तो देखने तो आएंगे डेफिनेटली। मैं चाहूँगा कि मेरे जितने फैंस हैं वो तो यार मेरे फैंस ऑफ हार्ड कोर फैंस हैं, उन्होंने कभी मुझे छोड़ा नहीं और मैं इस बार भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं देंगे। बट बाकी ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ हाउ मच ही इज वर्थ। थैंक यू। मैं बहुत सीधी सीधी हिंदी बात में बोल रहा हूँ, आई डू नॉट बिलीव इन मीडिया मेड स्टार्ट। ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, ही हैज टू डू वेल, पब्लिक पैसा दे के पैसा खर्च करेगा एंड ही हैज टू मेक वर्थ ऑफ दैट, दैट्स इट। कितनी आपने मेहनत की है मीमो के पीछे आज इस स्टेज तक जहाँ पे मीमो पहुँचा? मैंने 6 साल तक उसके पीछे था, बट ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, उसने खुद की है। सब क्रेडिट मुझे देंगे तो नहीं चलेगा, मतलब सोना को भी बहुत खींचना पड़ता है। तो जब हमें पता चला कि आपने एक कोरियोग्राफ भी किया है एक गाना जिसमें मीमो ने डांस किया हुआ है जो हमें परफॉर्म, तो आपने जब इतने साल बाद वापस जब आप स्टेज पर आ जाओ, आपने कोरियोग्राफ किया तो आपको कुछ फ़र्क नज़र आ रहा था आपके खुद के डांस स्टेप्स में कि इतने साल बाद आप परफॉर्म कर रहे हैं वापस? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज आई हैड टू डू इट, बिकॉज इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में मुझे करना था इसलिए। और मीमो को जिस तरह से आपने सिखाया, मीमो ने कैसे किस तरह से उसे परफॉर्म किया? और बोलो तो आप बताएंगे, मैं कैसे बोलूँगा, मैं हर बाप बोलेगा अच्छा है। लेकिन फिर भी जब आपके इंटरव्यू सुने थे तो उसमें आपने बोला था कि 25% बेटर डांसर था रहे मेरे से। हाँ। अभी भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, खुद देखिए और जज कीजिए, देखिए है कि नहीं। तो यानी आप ऐसे ही, लेकिन जब आपने आपकी जो फर्स्ट फिल्म आई थी उसके बाद आपको अवार्ड मिला था, तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद मीमो की ये फर्स्ट फिल्म के बाद वो कितने, बिकॉज आजकल इंडस्ट्री में बहुत ही कंपटीशन बढ़ गई है, तो कितने सक्सेस हो पाएंगे? कंपटीशन भी बढ़ गई और बहुत आसान भी हो गया। अगर आपको फिल्मों में नहीं मिलेगा तो ऐड में काम करेंगे, नहीं होगा तो सीरियल में काम करेंगे, नहीं तो बहुत सारे रास्ते भी खुल गए। हमारे टाइम इट वॉज वेरी हार्ड, इतने सारे चैनल्स नहीं थे कि हर जगह अपना चेहरा दिखाते फिरे, है ना।
इट इज़ नॉट दैट ईजी. हमारे टाइम में बहुत ईजी नहीं था, बल्कि ये टाइम बहुत ईजी है. अच्छा, तो दैट मीन्स आपने आप एक लास्ट वाला स्टेप्स के बारे में कि आपने जो स्टेप्स सिखाए थे, आपने कहा कि आपने आपसे बढ़ के, लेकिन अभी भी हम लोग इंडस्ट्री में जानते हैं कि मिथुन जैसा डांसर कोई नहीं. तो क्या देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ मेरे से अच्छा डांसर है. आप देखने के बाद बोलिए ना, आप कैसे बोल सकते हैं? आप बार बार मुझे बोलेंगे मैं अच्छा हूँ, मैं कि नहीं बोलूँगा मैं अच्छा हूँ. जो अच्छा है अच्छा है. टुडे ऋतिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट डांसर ऑफ द कंट्री. तो आप क्या डिनाई कर देंगे उसको? नहीं करेंगे ना, एक्सेप्ट कीजिए उसको. जिमी के बारे में एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जिमी का जो कैरेक्टर है इसमें, आपको भी वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मैं आपको पूछना चाहूँगी कि क्या लगता है कि मिमो ने कुछ नहीं किस तरह से निभाया है? आपने जब देखा, आपने जब एक्टर, आप मैंने क्या बोल रहा हूँ ना, एज एन एक्टर आई हैव गिवन हिम पास मार्क पहली फिल्म के हिसाब से. बाकी यस टू लर्न थोड़ा थिंग. और सर एक लास्ट, कल बंगाली का न्यू ईयर है कल, तो आप प्लीज बंगाल में विश कर दीजिएगा. तो इतनी देर तक आपने हिंदी में क्यों बात? वो स्टार हिंदी के लिए था, अब स्टार बंगाल के लिए. কালকে আমাদের শুভ নববর্ষ, আর সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা. এই বছর ভালো করে কাটুক, আনন্দে কাটুক, এই প্রার্থনা করব. ধন্যবাদ.